नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने खड़े होते ही अध्यक्ष से समय की मांग की और बताया कि जो भी वह बोलेंगे दस्तावेज और कैग की रिपोर्ट के आधार पर बोलेंगे। विधायक अभय मिश्रा ने सरकार के द्वारा लिए जा रहे कर्ज पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत सिरमौर चौराहे जैसी बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम देने के साथ साथ यात्री प्रतीक्षालय टैंकर घोटाला पर भी जमकर बोले। इतना ही नहीं, सरकार के आय और व्यय पर भी अभय मिश्रा ने जमकर बोला और आंकड़े के साथ साथ साक्ष्य भी विधानसभा में दिखाए। अभय मिश्रा ने कहा कि हमें उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी की हमारी चादर हो, मूल कार्य होने चाहिए। बहुत सारी जिद सरकार पकड़ कर बैठी है, जबकि नए कार्य जोड़े जा रहे हैं जबकि पुराने पड़े हुए हैं। वसूली नहीं हो रही, पुनः घनत्वीकरण योजना को बंद करने की सलाह देते हुए अभय मिश्रा ने कहा कि एक तरफ जब लोक परिसंपत्ति विभाग खोल दिया गया है जिसमें जमीन ऑक्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, 28,000 स्क्वायर फीट जमीन बिक रही है, वहीं सिरमौर चौराहे में 12,000 वर्ग फीट दे रहे हैं, वह भी पैसा मिल नहीं रहा है। यह पैसा कहाँ जा रहा है और इस बदले के घास लगवाई जा रही है। अभय मिश्रा ने किसी का नाम लिए बिना ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को घेरा। आप भी सुनिए विधानसभा में किस तरह से अभय मिश्रा ने सरकार को घटघरे में खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैंने परिश्रम किया है। मैं जो भी बातें करूंगा ये कैग रिपोर्ट के आधार पर करूंगा। देखिए, आसंदी से महानियंत्रक लेखक अभय जी किताबें हैं। आसंदी से माननीय अध्यक्ष जी ने समय निर्धारित किया है, 19-20 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। संरक्षण चाहूंगा, 10 मिनट लूंगा। अरे संरक्षण के कारण ही 19-20 हो सकता है। और ये पुलिस का प्रतिवेदन। अरे बाप, इतने किताबें लाए हैं तो मैं प्रूफ के साथ आया हूं। मैं नहीं कह रहा आपको पहले बोलना चाहिए और कैद की रिपोर्ट बात कर रही है। ऐसा है, अगली बार जब भाषण हो तो आप सबसे पहले काम की बात होगी, बेकार की बात। समय आए तब टोक देंगे, समय ज्यादा हम नहीं। चलिए देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 2023-24 के अनुपात में 4.02% से बढ़कर 4.11% बजट अनुमान 24 के अनुसार बढ़ाए, जो संकट की स्थिति है कर्ज को ध्यान में रखकर। इसी तरह 2023-24 के पुनरीक्षित बजट अनुसार पूंजीगत एवं अन्य प्राप्तियां, माने जिससे एसेट क्रिएट होता है, जो मूल काम एक होता है राजस्व की तनख्वाह देना है, दुनिया भर के खर्चे करने हैं, बांटने हैं, एक है जो प्रदेश के लिए लगाना है जिससे प्रदेश बढ़ेगा, क्रिएशन करना है, निर्माण करना है, वह 69,181 करोड़ रुपए था, जो बस 24-25 में 66,000 कर दिया गया है इस साल। यानी अर्थात मूल कार्य के लिए पैसा कर्ज बढ़ने के बाद भी घट गया है। इसी तरह वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां 3,915 करोड़ रुपए थी, जिसे वर्तमान में 24-25 हेतु 3,30,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो टेढ़ी खीर है, इतना बढ़ नहीं पाएगा, जनता पे टैक्स का दबाव पड़ेगा कर्ज लेने के बाद भी। इसी तरह पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में 68,570 करोड़ बताया गया था, जो अब वर्ष 2024-25 में 64,738 करोड़ दर्शाया गया है। अर्थात पिछले वर्ष से कम कार्य किए जाएंगे और हमारे लिए काम करने के लिए कम है, इससे हमारे विकास के सपने अधूरे रह जाएंगे। अब आ जाइए बजट में। वास्तव में यहां अगर हम पक्ष विपक्ष को देख दें, छोड़ दें, देश के लिए समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा किसी भी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, तो हमें उतने पैर पसारना चाहिए जितनी हमारी चल है। मूल काम है हमें खर्च कम करने चाहिए। बहुत सारी हम जिद पकड़े, हम नई नई चीजें जोड़ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजें कैग की रिपोर्ट बता रही है कि आपके डेढ़ मान 1,50,000 करोड़ रुपए सरेंडर हो रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं हटा। हमारा बजट में आय बढ़ाने का प्रयास मितव्यता बहुत जरूरी है, आय बढ़ाने में हम फोकस नहीं कर रहे हैं, लीकेज को हम रोक नहीं कर रहे हैं, अवैध माइनिंग आरआरसी होती है ना तमाम की, इनके आज तक वसूली नहीं हो रही है, लाइम स्टोन से गिट्टी बन रही है, हम रॉयल्टी की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बाकी चीजों के लिए कर रहे हैं हम, बंबई दिल्ली जैसे टाटा जैसी एजेंसियां नहीं लगा पा रहे हैं कि हम बिजली की चोरी को रोकें, ये पुनर्घनत्वीकरण को हम बंद नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जब लोक परिसंपत्ति विभाग आपने खोल दिया
और जमीनों के आसन कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा। 28,000 स्क्वायर फीट जमीन बिक रही, वही 1200 रुपए स्क्वायर फीट आप सिरमौर चौराहे में दे रहे हो। लोग परिसंपत्ति में वही पैसा नहीं मिल रहा, वही पैसा नहीं मिल रहा है, और बदले में उसके घास लगवा रहा इसको, और रेवा में विकास इसको आप विकास की यात्रा कर रहे हो, और आप सब जान रहे हो कौन कर रहा है। योजना एवं आर्थिकी एवं सांख्यिकी, हम दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, हमें जो विधायक निधि मिलती, हम टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय में 60% से ज्यादा क्यों देते हैं साहब? हम वही यात्री प्रतीक्षालय अपने कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन में 60,000 का बनवा लेते हैं, आपके यहाँ 3,85,000 का है। एमपी एग्रो पिछले 10-12 सालों में 50,000 से बढ़ाते बढ़ाते 3,85,000 कर दी, जबकि पक्के निर्माण का है 1,20,000 में पक्का बनता है, और 50,000 की चीज को आप 3,85,000 दे रहे हो, और हम ईमानदार बन रहे हैं? हम टैंकर में भी यही खेल कर रहे हैं? आयुष्मान में लूट नहीं है क्या? ये नर्सिंग होम क्यों बना रहे हैं? हम क्यों इसमें पैसे बर्बाद कर रहे हैं? उद्योग और निवेश के लिए मात्र आपने मालूम कितना पैसा इस साल बढ़ाया है? 71,38,00,000 रुपए, मात्र 71 करोड़। हम मीटिंग कर रहे हैं, मीट्स कर रहे हैं कि हम उद्योग और निवेश करेंगे, मार्ग संख्या 340 में हमने एक एक पैसा जोड़ा है। आपने पंचों के लिए 5 रुपए नहीं दिया। माननीय मंत्री जी ने पिछली बार सदन में दिखाया किए है, उसके बाद मंत्री जी का ही आदेश आया कि मात्र 50 रुपए बटेगा, वो आदेश मेरे पास, और 50 रुपए आखिर का न्याय गरीबों के साथ अगर करना है तो थोड़ा बहुत न्याय कर दिया जाए। अब हम टू द पॉइंट करेंगे, हमने बहुत कुछ काट रखा है जी, धन्यवाद। अब आ जाइए 21-22 में, आइए कैंक की रिपोर्ट जो बोल रही है, 2021-22 के दौरान योजनाओं में मुख्य शीर्ष चिकित्सा शिक्षा अनुदान 500 में, प्राकृतिक आपदा 2245, इसमें से जो बचत है वो 1,62,000 करोड़ सरेंडर किया गया। बजटीय नीति का उपयोग 2021-22 में 86% ही हो पाया। केंद्रीय सड़क निधि में जमा 8,449 अन्य जमा स्वयं को हस्तांतरित नहीं किया गया, ये कैंक की रिपोर्ट बता रही है। सार्वजनिक उपक्रम 32 वर्षों तक निष्क्रिय थे, 32 उपक्रमों में इतने करोड़ का कारोबार दर्ज हुआ, सकल घरेलू उत्पाद से इतना बढ़कर के इतने 31,597 करोड़ तक का घाटा हुआ। लेखा परीक्षा में पुलों के चयन का बजट में शामिल प्रस्ताव है। एक मैं आपको खुली बात बता रहा हूं, एक पुल माफिया हमारे यहां काम कर रहा है, उसका केंद्र बिंदु है हमारे रीवा। राजनीति में संरक्षण आज तो ये भी अलाउ हो गया ना कि एक विधायक दूसरे विधायक का नाम लेगा तो मैं भी लूंगा। एक हमारे माननीय मंत्री जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद में बैठे हैं, पूरा प्रदेश चला रहे हैं, पुलों की आप जांच करा लीजिए, कैंक की रिपोर्ट में है, यह है कैंक की रिपोर्ट। कैंक की रिपोर्ट में है कि पुलों के एस्टिमेट में पूरा का पूरा खेल हुआ है, मने डेढ़ा दूना करके पुलों में पूरा पैसा पलटी किया गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं और आगे कितने पन्ने हैं भाई जी? नहीं बस एक पन्ने, पीडब्ल्यूडी में इतने सारे अधिकारी हैं, कुछ विभागों में चयन कर लीजिए, जाति प्रमाण पत्र हर विभाग में नहीं, कुछ का चयन कर लीजिए। हाँ नहीं जाति दूसरे विभाग फर्जी जांच प्रमाण पत्र के अधिकारियों को पद में बिठाकर इस तरह से लूटपाट कराई जा रही है, और इसमें भी बहुत रास सेंडर हो रहे हैं। इस पैसे को हम क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? पुलिस में आप गूगल खोलिए, सर्वाधिक अपराध आपको मालूम कहाँ है? अभी गूगल खोल लीजिए, कोई भी इंदौर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, उज्जैन, इसके बाद आता है ग्वालियर, इसके बाद आता है भोपाल, इसके बाद आता है रीवा, और कोरेक्स में नशे में एक नंबर में कौन है? रीवा। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अभी योगी जी के पास गए थे, उनसे गुहार लगाई है कि कोरेक्स बंद करो, 20 वर्ष में याद आया है, अभी गांजा आ रहा है उड़ीसा से, वहां भी जाने वाले हैं, वहां भी जाएंगे, हर जगह अपने यहां कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा ये कहना है। और अपराध रीवा जिले में पिछले 2 वर्षों में 25,000 अपराध हुए हैं, 5,000 से ज्यादा पेंडिंग केस है, 5,000 से ज्यादा अपहरण के केस है, इसके बाद हम इनको राशि आवंटित कर रहे हैं, और पुलिस विभाग ने जितनी राशि सरेंडर की है 1,00,000 करोड़ रुपए राशि सरेंडर की है, फिर हम इनको बजट में पैसे हम क्यों देते जा रहे हैं? हमारा आप करें। और खनिज में आप ये बताइए,
कि जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन की रॉयल्टी 200 है, खनिज का अवैध उत्पादन होता है, आप भी वहां जान रहे हैं, बहुत कम माइनर मिनरल की खदानें हैं, सब मेजर मिनरल की, उनसे हम गिट्टी बना रहे हैं, हम नेशनल लॉस नहीं कर रहे हैं, एक एक जिले में एक एक लाख करोड़ दो दो लाख करोड़ के काम हो रहे हैं, ये गिट्टी कहां से आ रही जब माइनर मिनरल नहीं है तो सब मेजर मिनरल, और इनको पकड़ना हो सब अधिकारी मिले हुए हैं, कोई भी पकड़ेगा, ये पकड़ जाएंगे बिजली के बिल से कि आखिर इनका बिजली का बिल फिर इतना कहां से आ रहा है दिन भर, और इतनी ज्यादा लूट, एक तरफ हमारा हम उससे पैसा कमा सकते हैं, हम उसको नहीं कमा रहे हैं, मतलब बड़ी खेत थाने लगेगी तो क्या स्थिति बनेगी, जेल जेल के लिए आपने देखिए हम लोग इंसान हैं, अब वो जेल ने पास किया उसको मात्र 3 करोड़ की एक बुक आपने निकाली है, उस बुक को लगता है कि आप कितनी करुणामयी सरकार है, वाह कितनी करुणा कितनी दया कितना ध्यान है इसको बंदियों में, और मात्र 3.9 करोड़ रुपए दिया, और वहां पर आपको जेल भाजपा में जेल भेजने का बड़ा कल्चर है, आधी से ज्यादा भीड़ आप ही बढ़ा रहे हैं प्रकाश अगले चाहिए, मेरा ये कहना है कि कम से कम इनके लिए इनकी तो चिंता कर ले, एक अंतिम बात नहीं नहीं आप बात करिए, एक अखिलेश जी बोलेंगे, आपको बहुत समय दे दिया है, अंतिम बात सर कह के अपनी बात समाप्त कर रहे हैं, जब लोक परिसंपत्ति विभाग आपने खोल दिया और लोक परिसंपत्ति विभाग में बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा पैसा रहा, तो आप पुनर्घरत्वीकरण को बंद क्यों नहीं कर रहे, हमारे अभय जी अभय कहना है आपको अवसर दे रहा हूँ, मेरा ये कहना है समाप्त कर कि ये टारगेट टारगेट बनाकर जो हमको छेकेंगे तो सड़क पे सर में ईंट ढोके यहाँ तक पहुंचाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर लेवल पे सहन कर लूंगा लड़ लूंगा, लेकिन मैं अभय जी भाई साहब हम 5 सड़कें बनाई धन्यवाद का भाई 5 सड़कें जो आपने बनवाई है सही करा दो, एक साल ही हुआ खड़े ही है पूरी अधिकार में नहीं है, 9 साल पहले की रोड है, 5 साल पहले परफॉर्मेंस गारंटी खत्म हो चुकी है, मेरी सब होती हो क्या कर लो सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ, आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है, हमारे यहाँ लेजर कैंसर अस्थि रोग एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है, कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है, नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं, आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर, हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।